नमस्कार मित्रांनो, आज 28 फेब्रुवारी या दिवशी आपल्या भारताचे ज्येष्ठ महान शास्त्रज्ञ सी व्ही रमण यांनी 28 फेब्रुवारी 1928 रोजी एक मोठं संशोधन जगाला प्रसिद्ध केलं, अर्पण केलं, दिलं. प्रभाव प्रकिरण असं त्याचं संशोधन होतं, ते प्रकाशाच्या बाबतीत होतं. आणि त्या संशोधनाबद्दल जगामध्ये जे सर्वोच्च सन्मान जर समजला जातो तो नोबेल पुरस्कार त्यांना 1930 या वर्षामध्ये प्राप्त झाला. आणि हा पुरस्कार त्यावेळेस आशिया खंडासाठी आणि भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. अशा या महान शास्त्रज्ञांना मी प्रथम वंदन करतो. आणि विज्ञानाचं महत्त्व, विज्ञानाचा दृष्टिकोन रुजवण्यासाठी, त्याचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी एक मी छोटीशी कविता हिंदीमध्ये करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तिचं नाव आहे विज्ञान अमृत का प्याला आहे, विज्ञान अमृत का प्याला आहे. ती मी वाचून दाखवणार आहे. विज्ञान सत्य को आधार देने वाला है, विज्ञान सत्य को आधार देने वाला है, विज्ञान जीवों का उद्धार करने वाला है, विज्ञान जीवों का उद्धार करने वाला है, विज्ञान सच में अमृत का प्याला है, विज्ञान सच में अमृत का प्याला है. विज्ञान खोज का निवाला है, विज्ञान खोज का निवाला है, विज्ञान जीवन का उजाला है, विज्ञान खोज का निवाला है, विज्ञान जीवन का उजाला है, विज्ञान सच में अमृत का प्याला है, विज्ञान सच में अमृत का प्याला है. विज्ञान दुखों को मिटाने वाला है, विज्ञान दुखों को मिटाने वाला है, विज्ञान सबको समृद्ध करने वाला है, विज्ञान दुखों को मिटाने वाला है, विज्ञान सबको समृद्ध करने वाला है, विज्ञान सच में अमृत का प्याला है, विज्ञान सच में अमृत का प्याला है. विज्ञान जीवन को गति देने वाला है, विज्ञान जीवन को गति देने वाला है, विज्ञान सीमाओं को रोंदने वाला है, विज्ञान जीवन को गति देने वाला है, विज्ञान सीमाओं को रोंदने वाला है, विज्ञान सच में अमृत का प्याला है, विज्ञान सच में अमृत का प्याला है. विज्ञान अंधकार मिटाने वाला है, विज्ञान अंधकार मिटाने वाला है, विज्ञान निरंतर पढ़ने की पाठशाला है, विज्ञान अंधकार मिटाने वाला है, विज्ञान निरंतर पढ़ने की पाठशाला है, विज्ञान सच में अमृत का प्याला है, विज्ञान सच में अमृत का प्याला है. धन्यवाद मित्रांनो.